जय हिंद। मैं आसिफ खान INN टुडे में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ ही मौजूद हैं मंजू कपूर जी। आइए हम डिस्कस करते हैं पबजी के बारे में कि पबजी क्या है। और इसके नुकसानात क्या हैं, ये देश में किसी नासूर से कम नहीं, बल्कि ये कहा जाए कि ये हमारी न्यू जनरेशन को, हमारे आने वाली नस्लों को दीमक की तरह खोखला करके हमारे देश को कमज़ोर कर रहे हैं। तो दर्शकों को पूरी तरह से पता होना चाहिए कि बीमारी क्या है, कब से शुरू हुई है। मंजू जी से हम जानना चाहेंगे कि मंजू जी, ये पबजी क्या है। देखिए, पबजी यानी प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स, अजनबी खिलाड़ियों की रणभूमि, इसे हिंदी में कहते हैं जी, यह है पबजी। अब इसमें देखिए होता क्या है कि 100 खिलाड़ी एक टापू पर उतरते हैं, हथियारों को खोजते हैं और एक दूसरे को तब तक मारते रहते हैं जब तक एक ना रह जाए। अच्छा, यह है पबजी। यानी ओवरऑल यह है कि बहुत डेंजरस गेम भी है और इंटरेस्टिंग भी कह सकते हो जो खेलता होगा। हाँ, देखिए कोई भी कंपनी जब कोई गेम बनाती है तो उसका उद्देश्य होता है मनोरंजन जी। यानी कभी आप बोर हो रहे हैं या अकेले हैं तो आप आधा एक घंटा खेल लीजिए तो थोड़ा आप फ्रेश हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे देश में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हमारे युवा वर्ग पूरी तरह इसमें डूब चुका है, यानी हर घर में पबजी घुस चुका है। एक ना एक आदमी हर घर में आपको मिलेगा जो पबजी का शिकार हो चुका। ये नशा, ये बल्कि ये कहते हैं, कहें तो गलत नहीं होगा कि ये नशा बन चुका है। बिल्कुल, एक नशे की तरह लोगों के नस नस में समा चुका है। अगर इतने मिलियन लोग इसमें शामिल हुए और एट अ टाइम उन्होंने इसको इस ऐप को डाउनलोड किया तो फिर एक किसी नशे से कम नहीं है। हाँ, इस समय तो नशा ही है। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने हाल में पढ़ा ही होगा कि पंजाब में एक 17 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप के 16 लाख रुपये इसमें डाल दिए। 16 लाख। अब आप पूछेंगे कि 16 लाख कैसे खर्च हुआ। जाहिर है हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस पर जो पैसे डाले जाते हैं, हाँ, ये किसी रिकवरी के लालच में होते हैं या कोई चीज़ की परचेसिंग एंड सेलिंग का कुछ ऐसा मुद्दा होता है इनके बीच में। अभी जो फिलहाल जो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसमें इसके अपग्रेडिंग होती है, इन ऐप एप्लीकेशन कुछ परचेस किए जाते हैं, उसको हाईटेक खेलने के लिए और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गेम को ये लोग इसको अपग्रेड करते हैं, उसमें इस बच्चे ने पैसे खर्च किए। लेकिन ऐसा सुनने में भी आया कि बहुत सारे कंट्रीज़ में अब इसको इस पर कुछ पैसा भी लगता है और इसको जुए के रूप में भी इसका प्रचलन होता जा रहा है। इस पर लोग यानी कि जुए की तरह खेल भी रहे हैं इसको। यानी प्रॉपर आप ये कह सकते हैं कि एक जुआ है जिसके अंदर मतलब नुकसान ही समझा जाए, किसी जुए में फ़ायदा नहीं है। नुकसान तो बहुत ज़्यादा नुकसान है और ख़ास तौर से जो युवा वर्ग में है तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब आप देखिए कि बच्चे जो है वो देर रात तक जाग रहे हैं तो देर से उठ रहे हैं, यदि माँ बाप उनको मना कर रहे हैं तो वो माँ बाप पे गुस्सा हो रहे हैं, यानी कि हिंसा का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, स्कूल कॉलेज में बंक मारते हैं गेम खेलने के लिए। ये इस पर हमारे देश की कई सरकारों पर इसका विरोध भी रहा है और ये पिटीशन फाइल भी की गई है कोर्ट के में इसके, तो ये कहाँ तक बात पहुँची? हाँ, ये देखिए, अब आप महाराष्ट्र है, गुजरात है, बहुत सारे स्टेट है हिंदुस्तान के जहाँ पे इस बात को माँ बाप ने भी कंप्लेंट किया, लोगों ने भी कोर्ट में गुहार लगाई भाई साहब इसको बंद किया जाए। लेकिन कोर्ट भी अपने जगह सही है। कोर्ट का कहना यह है कि इस एप्लीकेशन को सरकार ने यहाँ परमिशन दी है, सरकार ही इसको बंद कर सकती है। जिस तरह उसने चाइना के ऐप को बंद किया है, यदि आप देखिए चाइना का एक ऐप था टिकटॉक, जो बहुत ज़्यादा फैल गया था हिंदुस्तान में, हर घर में आदमी टिकटॉक में लगा हुआ था, लेकिन उसको बंद किया मोदी जी ने तो बहुत सारी राहत मिली। हालांकि बंद के कारण कुछ और हैं, वो हमारा चाइना से विवाद है इसलिए बंद किया गया है, वो इसलिए बंद नहीं किया गया है कि वो टिकटॉक बहुत प्रचलित था। खैर, कुल मिला के ऐप बंद होने से राहत मिली। तो यदि अभी पबजी को बंद किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि हमारा युवा वर्ग एक तो काम पे ध्यान देगा, पढ़ाई करेगा, कुछ अपने करियर के बारे में सोचेगा,
अभी तो बच्चे कुछ सोचते ही नहीं। इसमें कहीं ना कहीं ये भी तो है कि जब लोगों के पास कोई काम ही नहीं तो खाली दिमाग खाली घर शैतान का होता है। अगर इंसान या बच्चे किसी न किसी काम में ओढ़े रहें, बिजी रहें, मसरूफ़ रहें, तो इन तमाम चीज़ों से अपने आप दूर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कोताही, हमारी खामियां तो हैं इसके अंदर। हमारी खामियां देखिए, हमारी खामियां क्या है कि आज हमारे देश में रोज़गार नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम रोज़गार तलाशें नहीं या हम रोज़गार के प्रति कुछ और दिमाग ना चलाएं। यदि हम खाली है, या आजकल देखिए लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन खाली है तो क्या हम दिन भर पबजी खेलेंगे? नहीं, ये गलत है। पबजी के जो सबसे ज़्यादा बुरे परिणाम आए हैं वो आपने अब तक क्या देखा है? और उसके, ये तो एक पंजाब का आपने उदाहरण दिया, 17 साल का जो बच्चा था, इसके अलावा और क्या परिणाम आए हैं? जैसे कि अभी बीच में हमने सुना था कि पाकिस्तान में भी जो पबजी ये बैन किया गया है, और वहाँ पर कुछ बच्चों, मतलब जो भी पूरी टीम तैयार की जाती है, टीमों के बीच में पैसे लगते हैं, उस पर सट्टा होता है, बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा प्लान है, पूरा गेम है, ताकि लोगों को इन्वॉल्व, जिस कंट्री ने बनाया है, जापान ने, और ताज्जुब की बात है, जहाँ जिस कंट्री में लोगों के पास फुर्सत नहीं है, उसने फुर्सत किया कंट्री में अपना ये ऐप छोड़ दिया। देखिए जापान जो है, जापान में एक फिल्म आई थी 2000 के आसपास, बैटल रॉयल, उस फिल्म से प्रभावित हो गए। एक टेनिसेंट कंपनी है जिसने इस गेम का निर्माण किया। देखिए मैं फिर वही दोबारा वो बात कह रहा हूँ कि वो कंपनी किसी गेम का निर्माण करती है कि आप फुर्सत के क्षणों में, यदि आप कभी खाली हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास कोई नहीं है, तो आप 1 घंटा 2 घंटा उस गेम को खेल के फ्रेश हो सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जितना जितना आपका नॉलेज है, जितना हम सब जानते हैं और हमारे दर्शक जानते हैं, कि चाइना ने टिकटॉक बनाया माफ कीजिएगा, चाइना ने टिकटॉक बनाया, क्या कोई ये बता सकता है कि चाइना कंट्री में कितने लोग टिकटॉक के वीडियोस बना रहे हैं? देखिए बाहर की कंट्रीज की यही तो खासियत है, यानी हमारे अब खुद मसरूफ रहें, बिजी रहें, अपने काम में लगे रहें, अपनी कंट्री को एक अच्छा फ्यूचर दें, और जितनी तपिस तरह की बीमारी है वो हमें भेज दें। देखिए हमारे भारत की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि यदि यही गेम हमारे भारत के किसी होनहार IIT के बच्चे ने या किसी टैलेंटेड व्यक्ति ने बनाया होता तो ये शायद इतना पॉपुलर नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ एक आदत सी पड़ गई है लोगों को कि ये चाइना से आया, ये जापान से आया, ये अमेरिका से आया है, तो वो बहुत अच्छा। इसे मेक इन इंडिया में देखोगे या मेड इन इंडिया में देखोगे? अब ये तो दर्शक तय करेंगे कि ये मेक इन इंडिया की मेड इन इंडिया है। बहरहाल ओवरऑल ये चीज़ नुकसानदेह है, हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह है, हमारे देश के लिए नुकसानदेह है। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनरेशन को, और क्या संदेश देना चाहेंगे इस देश के युवाओं को? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मेरी सबसे पहले गुजारिश है कि आज जो स्थिति है भारत की, तो इस पबजी को तुरंत बंद करना चाहिए, और यदि सरकार इसको बंद नहीं करती है तो मेरे युवा वर्ग से और जो भी व्यक्ति पबजी को खेलता है, मेरी गुजारिश है कि इसको एक मनोरंजन के रूप में खेले, ना कि पूरी रात खेले, अपने करियर पे ध्यान ना दें। आपको जानते हैं आप इससे कितना आपके अंदर तनाव बढ़ रहा है, बहुत से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड के शिकार हो रहे हैं, अपने माँ बाप से चिड़चिड़ेपन से बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, आपके व्यक्तित्व में बहुत बुरा असर डाल रही हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इसको एक मनोरंजन के रूप में लें, ना कि इसमें दिन रात डूबे। मंजू कपूर जी ने अपनी राय रखी, लेकिन हमारी चैनल की तरफ से भी सभी युवाओं से ये निवेदन है कि आप इस बात का ख्याल करें कि आप पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं, अपने देश की जिम्मेदारियां हैं। आप अपने परिवार की जिम्मेदारी समझोगे तो आप ये समझो आप अपने देश की जिम्मेदारी समझ रहे हैं, और जो नस्लें हैं वो आने वाला फ्यूचर हैं, इस देश का भविष्य है, तो वो अपने आप को ख़राब ना करें, अपने आप को नष्ट ना करें, और ऐसी तमाम ऐप से, तमाम बीमारियों से, टिकटॉक जैसे जो थी वो भी बीमारी से कम नहीं था, ऐसे तमाम चीज़ों से अपने आप को महफूज रखें। इसी में हमारी भलाई है, हमारे परिवार की भलाई है, और हमारे देश की भलाई है। आज के लिए बस इतना ही, हमको इजाज़त दीजिए, मंजू कपूर जी को इजाज़त दीजिए। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू अवर चैनल INN Today and press the bell icon.